Fantasy and the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. एक टेस्टिमोनियल मेरे टीम से, बड़ा जबरदस्त है, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। ये घटना है कन्नौज की। अभी 5 दिन जस्ट पहले की बहन जी निधि जी, एक जस्ट घटना टेस्टिमोनियल अगर जरूरत पड़ेगी तो मुझे लग रहा है एक मिरेकल होगा। 1.5 साल पहले एक मेरे फ्रेंड हैं, सीआरपीएफ में रहते हैं, उनके पापा का कानपुर मेडिकल कॉलेज में जो है वो कार्डियक अरेस्ट था कुछ इस तरह से। तो इन्होंने जब चेकअप करवाया तो पता चला कि हार्ट में 3 ब्लॉकेज हैं, इसमें एक बड़ा सीवर ब्लॉकेज था। तो डॉक्टर ने बोला कि आप इस दवा को चलाओ और जितना जल्दी हो सकता है स्टेंट डलवा दो। इसके बाद वो जो है कहे कि ठीक है चलते हैं। इतना ट्रस्ट था गामा ओरिजिनल पर कि इसके बाद जो है इन्होंने गामा ओरिजिनल 2 सुबह 2 शाम देना शुरू किया। ये 6-7 महीने पहले की बात है। इसके बाद ये पीजीआई लखनऊ लेकर के आए और इसके बाद एडमिट किया गया। पुरानी रिपोर्ट को देख करके डॉक्टर बोले, यार ये 8 महीने से झेल रहे हो, अभी कैसे जिंदा है? एक काम करो कि तुरंत इनको जो है ओटी में ले चलो, वहीं हम लोग एंजियोग्राफी वगैरह करके स्टंट डालते हैं। और इसके बाद जब सारा कुछ प्रोसेस होता है, 1.5 लाख रुपए जमा कराए, तो 1.5 घंटे के बाद अंदर से रिपोर्ट आती है कि भाई साहब ये जो रिपोर्ट है ये इन्हीं की है कि किसी और की है? बोले इन्हीं की है। बोला यार ये गजब की बात है, ये जो पेशेंट है इसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है। तो बोले आप क्या देते हो, ये कैसे संभव हुआ? कहा कि सर ये वही है, मेरे पिताजी हैं। इसके बाद 24,000 रुपया कट करके उनको वापस भेजने का, देखो कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई स्टंट नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल फिट है। ये घटना भी परसों, 4-5 दिन हो रहा, लखनऊ पीजीआई की है। तो कैसे मैं बताऊं, मेरी माता जी को बहुत सारी प्रॉब्लम थी, मतलब यूं कह लीजिए कि वो सुबह ब्रेकफास्ट से पहले दवा की चिंता होती थी, लेकिन आज के डेट में कोई दवा नहीं चलती है। सर एक बार आप आए और वो रियल चीज बताएं जो आपके साथ सुखद घटना हुई है। हाँ बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, प्रणाम सर सभी गुरुओं को, और मुझे मौका दिया 1 मिनट का बोलने का। मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, मैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से बिलोंग करता हूं और वर्तमान में मैं सीआरपीएफ में लगभग 21 साल से सेवाएं दे रहा हूँ। जो मेरे पिताजी का टेस्टिमोनियल है दोस्तों, ये 2020 में उनकी रिपोर्ट आई थी तो उसमें बोला था कि एक ब्लॉकेज है, 2020 की रिपोर्ट में एक ब्लॉकेज था। तो इसके बाद उन्होंने दवाई दिया, बोला कंटिन्यू खाइए। फिर उन्होंने 5-6 महीने के बाद टेस्ट किया, बोला आपका अभी 3 ब्लॉकेज हो गया है, स्टेंट पड़ना अति आवश्यक है और ये दवाई ले जाइए, आप खिलाते रहिए। उसी समय गुरुदेव हमारे जीवन में आरसीएम आया और मैंने कंटिन्यू गामा ओरिजिनल देना शुरू किया उन दवाइयों के साथ में, और मैंने टेस्ट कराया ही नहीं। तो अचानक अभी करीब 5-6 दिन पहले उनको पेट में थोड़ा प्रॉब्लम हुई और मैंने तत्काल वही रिपोर्ट्स लेके पीजीआई लखनऊ में एडमिट कराया। तो उन्होंने रिपोर्ट के आधार पर इनको तुरंत बोला एडमिट कीजिए और ओटी में ले चलिए, क्योंकि 2020 की रिपोर्ट में अगर तीन तीन ब्लॉकेज हैं, बोला इनको स्टंट पड़ना ही पड़ना है। फिर मैंने जब वहाँ एडमिट करा दिया, तुरंत उन्होंने पैसा मेरा जमा करा लिया, जैसे गुरुदेव ने भी बोला 1.5 लाख रुपए जमा कराती। और मेरे को ये भी इंफॉर्मेशन दिया गया कि अप्रोक्सीमेटली आपको 3 स्टेंट पड़ेंगे तो लगभग लगभग 3,75,000 रुपए आप रेडी करके रखिएगा, इसके बाद ही बोला तीनों स्टेंट पड़ेंगे और क्लियर होगा। तो जैसे ही ओटी में जाते हैं और आधे घंटे के बाद वहां से जो डॉक्टर के हेड होते हैं वो बाहर आके बोलते हैं कि कैलाश चंद पेशेंट के साथ कौन है। तो मैं जैसे ही अंदर गया तो बहुत घबराया हुआ था कि कहीं डॉक्टरों ने और पैसा ना डिमांड किया तो मैं कहां से कैसे करूंगा। डॉक्टरों ने एक ही चीज बोली कि आपने इनको खिलाया क्या कि 2020 में जिसके 3 ब्लॉकेज हो और आज इनकी उम्र 70 साल है, इनका हार्ट 40 साल के यंग के बराबर है और कोई ब्लॉकेज ही नहीं है। तो गुरुदेव मैंने वहां पर गामा ओरिजिनल अपने पिट्ठू बैग में डाल रखा था, मैंने दिखाया था। और जिस दिन मैं उससे एक दिन पहले जब अपॉइंटमेंट लिया था तब भी मैंने, उन्होंने बोला कि अभी दवाई कोई खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, तो मैंने बोला सिर्फ ये गामा दे रहा हूँ। बोला ये ऐसे पलटी करके रख दिया साइड पे। जब लास्ट दिन जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला, उन्होंने बोला इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप घर ले जाइए, गैस वैस की प्रॉब्लम की वजह से चेस्ट में दर्द हुआ होगा। लेकिन वहां पर गुरुदेव में प्रोस्पेक्टिंग के हालात में नहीं था, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो रखा था, इतना घबराया हुआ कि घर से कोई था नहीं हमारे पास। नहीं तो वहां पर अगर प्रोस्पेक्टिंग की हो जाती, थोड़ा पेशेंस लेवल अगर मेरा सही होता तो बहुत बड़ा सर बिजनेस वहां किया जा सकता था पीजीआई हॉस्पिटल में, जहां डॉक्टर भी लोहा मान चुके हैं और उन्होंने फोटो खींच लिया कि इसके बारे में हम विचार करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जो बोलने का मौका दिया, ये समय कम है,
ओवर टू गुरुदेव, थैंक यू प्रणाम सर। सर, थैंक यू भाई, थैंक यू सर। इसी तरह के बहुत सारे टेस्टिमोनियल फील्ड में आते हैं और टेस्ट आरसी एंड द ड्रीम वर्ल्ड, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।